दोस्तों आप देखना चालू कर दिए हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई जीतू कुमार मिश्रा। अभी हम हैं गोपालगंज जिला के बरौली में, यहां पे एक जनसुराज अभियान चल रहा है, उसका एक मीटिंग हो रहा था। वो जो मीटिंग से अध्यक्ष है उनसे हम बात कर रहे हैं। देखिए आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम साजिद हुआ और मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ और प्रशांत जी के लिए अभी हम लोग जनसंवाद उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और साथ साथ हम पंचायत स्तर पर जाकर वहाँ की मूलभूत समस्याएं जो है समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। जी सबसे पहले मेरा सवाल कि जो है इस जनसुराज अभियान क्या है? जनसुराज एक जन आंदोलन है और किसी भी जन आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज में कुछ मूलभूत बदलाव के लिए होता है। अभी बिहार में बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का जो मुद्दा है, इंसान चाहे किसी दल से हो, किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थक हो या किसी भी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर बात करें तो वो इस बात की हकीकत को ज़रूर स्वीकार करता है कि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। और इसी मुद्दे पर प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज एक जो जन अभियान शुरू किया है उसका मेन मकसद है बिहार के इस आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना, बिहार में रोज़गार के अवसर प्रदान करना और बिहार को आने वाले समय में बिहार इंडिया के या भारत के 10 विकसित राज्यों की सूची में शामिल करना। एक बात सर, जो है प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा चला है, कब से चला है ये? 2 अक्टूबर को गांधी विदर्भ आश्रम जो है पश्चिमी चंपारण से ये शुरू हुआ और अभी जो है लगभग 570 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की, क्योंकि ये डेली बढ़ता जा रहा है, इसको एग्जैक्ट फिगर करना मुश्किल है थोड़ा सा। अभी जो है प्रशांत किशोर जी का जो पार्टी है, क्या भविष्य में राजनीतिक पार्टी भी बन सकती है? ये चूँकि एक जन आंदोलन है, जन आंदोलन किसी न किसी तरह से कोई ऑप्शन जो है या विकल्प जो है वो बनाता है। अब ये जन आंदोलन लोगों का समर्थन और ये जो जन अभियान समिति है यही तय करेगी कि इस अभियान को एक पार्टी के स्वरूप में या अपना रूप बदल लेना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन की मतलब चिंता करनी चाहिए या व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ करना चाहिए या इस अभियान को अभियान ही रहने देना चाहिए और हम इस अभियान के थ्रू। एक बात और है सर कि मतलब अभी मतलब नीतीश जी जो हैं बिहार में जो है शराब बंद किए हैं लेकिन जो है पूरी तरह शराब जो है चोरी छुपे बिक रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए पॉलिसी बहुत अच्छी थी, हालांकि देखा जाए तो गांधी जी का भी सपना था कि बिहार या क्या पूरे भारत में इस जो है वेस्टर्न सभ्यता या जिस तरह की ये चीज़ें हैं, क्योंकि सामाजिक बुराइयों का अगर देखेंगे शराब कोई भी एक जो सेन व्यक्ति है या जिसमें थोड़ी सी भी समझ है वो जानता है कि सामाजिक बुराइयों का ज़्यादातर जो रिश्ता होता है नशे से और शराब से जुड़ा होता है। तो गांधी जी का एक सपना भी था कि हमारे आज़ाद भारत में इस तरह की कुरूतियाँ ना रहें, लेकिन नीतीश जी ने इस अच्छी पॉलिसी का, गांधी जी के सपने का इस्तेमाल तो किया लेकिन इसके थ्रू एक ब्लैक मार्केट पीछे खड़ा कर दिया है। दूसरी अगर चीज़ कही जाए तो ये भी है कि मतलब ये इस पॉलिसी को अच्छी तरह से सुचारू रूप से ज़मीन पर लाया नहीं गया है ना। इसके गुड्स जितने होने चाहिए थे, जितनी इसकी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बुराइयाँ हो रही हैं। लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग के इतने सारे केसेस हैं, युवा पकड़े जा रहे हैं शराब की जो है। मतलब आपको कहना क्या है, मतलब बिहार में पूरी तरह बंद होना चाहिए या मतलब हमारा भारत जो है भारत में पूरी तरह बंद होना चाहिए या मतलब कि बिहार में ही बंद होना चाहिए, वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आधिकारिक तौर पे ये कहना, ये एक आम नागरिक भी जानता है कि शराब बुरी चीज़ है और इसे बंद होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ तौर तरीके और कुछ मॉडल्स होना चाहिए जिस तरीके से वो जो है क्या कहते हैं प्रशासन या वो नीति बनाने वाले लोगों की विधि है, मैं उस कैपेसिटी में तो नहीं कहता, लेकिन एज अ नागरिक एक जो है नागरिक होने के नाते मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस नीति को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट सवाल सर जो है मतलब यहाँ पे जो है बिहार में जो है भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अश्लील जो है चल रहा है, भोजपुरी गाना जो है बहुत अश्लील बज रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? सभ्यता देखिए, किसी भी सभ्यता की अगर बात करें, उस सभ्यता की रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ की भाषा। अगर आप किसी सभ्यता को गरीब करना चाहते हैं तो उसकी भाषा उससे छीन लीजिए। भोजपुरी के लोगों के साथ इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता है कि उनकी भाषा दूसरे भाषाओं की तुलना में इस वजह से ज़्यादा लोग उसकी जो है मतलब उस भाषा पे कमेंट करने लगे। देखिए कभी भी कोई एक सॉन्ग या कोई एक फिल्म जो होता है किसी पूरी संस्कृति का जो है क्या ये कहते हैं कि उसका जो है पिक्चर नहीं होता है, वो उसकी जो होता है दृश्य नहीं कर सकता या रूपांतरित नहीं कर सकता है, लेकिन कटाक्ष करने के लिए एक जो है शब्द काफ़ी है। हाँ ये चीज़ है कि हमारे समाज के स्तर को जो है थोड़ा सा इस पर प्रभाव पड़ रहा है, युवाओं पर प्रभाव पड़ रहा है और ये तो एक नीति का मुद्दा है, इस पर क्या ही सर। एक बात और जो है, भविष्य में जो है आपका मतलब जो पार्टी है वो मतलब
किसके साथ रहेगी, आरजेडी मतलब जो महागठबंधन है उनके साथ रहेगी कि एनडीए के साथ? ये सवाल ही अपने आप में अभी एक गलत है, क्योंकि ये एक अभियान है, अभी कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। पार्टी बनेगी वो आप इसकी दशा दिशा तय करेंगे, जनता करेगी, कोई इसका कोई एक डिक्टेटर नहीं है जो कोर्स ऑफ एक्शन तय कर देगा कि इसे ये करना है, उसके साथ मिल जाना है। ये कोई भी पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करे तो किसी भी एक इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो कह दे कि हाँ इसका दिशा ये होगा। नहीं, दिशा तय करने वाले एक एक बिंदु, एक एक पाए, एक एक लोग जो उससे जुड़े हुए हैं, वो उनके हाथ में वो मत होता है, उनके हाथ में वो शक्ति होती है। ठीक है, धन्यवाद। एक बात बताइए, और जो है अभी भी मतलब हम एक वीडियो में देखे प्रशांत किशोर जी के, वो लाइव में बोल रहे थे कि अभी अभी मतलब किसी पार्टी को डर हो गया है कि पता नहीं जो आगे आकर भविष्य में प्रशांत किशोर जी जो है किसका वोट काटेंगे, बीजेपी का काटेंगे कि महागठबंधन का काटेंगे। अभी तो चुनाव आया ही नहीं सर, तो इस पर आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं। बोल रहे थे ना प्रशांत जी, देखिए वो उन पे कटाक्ष किए जा रहे हैं तो उन कटाक्षों का वो जवाब दे रहे हैं, और सबको अपना अपना ओपिनियन है रखने का। अभी ना चुनाव है, हम जो निकले हैं चुनाव अभी 2025 में 24 में, ये अभी हम किसी से ना वोट मांगने निकले हैं ना किसी अपने दल के समर्थन के लिए निकले, हम एक जन चेतना जगा रहे हैं। इस बात को आपको भी समझना होगा और लोगों को भी समझना होगा कि जन चेतना जब जग जाती है किसी मुद्दे पर तभी उसका कोई निवारण हो पाता है। ठीक है सर, एक और बताइए, अभी जो मतलब प्रशांत किशोर जी मतलब गोपालगंज में कब आएंगे? अभी उनकी जो यात्रा जो थी वो निर्धारित थी, लगभग 20 दिसंबर को वो आने वाले थे, मतलब गोपालगंज में एंटर करने वाले थे, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा यात्रा के मतलब उनके रूट में थोड़ा सा बदलाव आया है, शेखपुरा वगैरह भी जाने का ऐसा कुछ लग रहा है। तो आधिकारिक तौर पे तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर के अंतिम या जनवरी के पहले वीक तक प्रशांत जी यहाँ पर मौजूद होंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, कहेंगे कैमरामैन से हर किसी को दिखा दीजिए, मतलब यहाँ पर बहुत लोग जो है यहाँ पर आए थे, कुछ लोग तो यहाँ पर आकर चले गए, लेकिन जो है अभी कुछ लोग हैं उनको दिखा दीजिए। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।